अपने लोगों को इतना भड़काओ कि वो मरने मारने पर उतर आ जाए, इससे मुझे तुम्हें सीट दिलाने में आसानी होगी। दुश्मन को डर से इतना भर दो और जैसे ही मौका मिले उसे मौत के घाट उतार दो। मैं कल पुलिस स्टेशन जाऊंगी और पता लगाऊंगी कि अब्बू कहाँ है। अम्मी अब्बू आ जाएंगे, अम्मी अब्बू आ जाएंगे। मर्चुरी में पड़ी सड़ी लाशों को देखकर वो अपने रिश्तेदारों को ही भूल जाएंगे। सर सर मेरे अब्बू कल रात से घर नहीं आए सर, और उनका फोन भी कल रात से स्विच ऑफ आ रहा है सर। क्या नाम है उनका? मोहम्मद मोइनुद्दीन। मोहम्मद मोइनुद्दीन, अब्बू अब्बू आपकी शिरीन आपको लेने आई है। अब्बू अब्बू सॉरी। जी मैं हरिश्चंद्र का बेटा राजेश, वही हरिश्चंद्र जो पिछले 30 सालों से आपकी मर्चुरी की रखवाली कर रहे हैं। अच्छा हुआ मरने के बाद आत्माएं नहीं मिलती, वरना तुम लोग उससे भी बेच खाते। दो दिन, सिर्फ दो दिन के अंदर परमिशन लेके आऊंगा। और हाँ, अगर परमिशन नहीं मिली तो इन शवों के लिए खुद की संस्था खोलूंगा। सुनो, ओल्ड मर्चुरी के पास से एक लड़का सारी लाशों को लेकर बाहर जा रहा है। अरे उसे रोकना तुम्हारा काम है, मुझे उन लाशों से पैसे कमाने हैं, पैसे। वैसे भी अच्छे काम करने के लिए मुझे किसी की मंजूरी या ना मंजूरी की इजाजत देने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगा था कि इन्हें यहाँ आके मुक्ति मिल जाएगी, पर भूल गया था कि इन्हें जलाने वाले भी तो एक इंसान ही है जिन्हें पैसे की भूख के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। मार्केट वैल्यू आपको मार्केट वैल्यू की पड़ी है, और मुझे ह्यूमन वैल्यू की। चाहे जितनी रुकावटें आ जाए मैं रुकने वाला नहीं, मैं उन शवों का अंतिम संस्कार करके रहूंगा।